जिस देश का प्रधानमंत्री घोटाला करके चुनाव जीत कर गया हो उस देश की हालत कितनी खराब हो सकती है। और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर 52% ओबीसी के लोगों के साथ धोखा किया, ईवीएम मशीन में घोटाला करके नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता, जितने लोगों ने वाराणसी में वोट डाला उससे 1,87,000 वोट ईवीएम में ज्यादा निकला। आप लोगों को याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा ये कहकर ओबीसी के लोगों ने वोट दे दिया। वोट देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ओबीसी के आदमियों को मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने के बजाय योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर 52% ओबीसी के लोगों के साथ धोखा किया, तो जो पार्टी 52% लोगों के साथ खुल्लम खुल्ला चुनाव में धोखाधड़ी कर सकती है तो प्रमाणित हो गया, सिद्ध हो गया कि ये धोखेबाज लोगों की पार्टी है और धोखा दे रही है। मान लो ठाकुर को नाम बताकर चुनाव लड़ते, ठाकुर के 6% वोट है और पिछड़े वर्ग के 52% वोट है, तो 6% वालों को नाम बताकर 6% वोट मिलते हैं, चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव जीतने के लिए केशव प्रसाद मौर्य के नाम का इस्तेमाल किया और धोखाधड़ी करने का काम किया। तो वाराणसी में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश में रहने वाले गुजरात के नरेंद्र मोदी मगर चुनाव लड़ते हैं वाराणसी से। तो वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, वहां वाराणसी में 2019 के चुनाव में ईवीएम मशीन में घोटाला करके नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता और जितने लोगों ने वाराणसी में वोट डाला उससे 1,87,000 वोट ईवीएम में ज्यादा निकला। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बताता हूं 10 एग्जाम्पल के तौर पर। वाराणसी में वहां के 10 लाख वोटर ने वहां पर वोट दिया और मशीन से 11,87,000 निकले। अब थोड़ा समझ में आ रहा हो, वाराणसी के वोटरों ने 10 लाख वोट डाला ईवीएम में, मशीन से 11,87,000 निकला, तो 1,87,000 वोट ज्यादा निकला। तो नरेंद्र मोदी ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता और देश का प्रधानमंत्री हो गया। जिस देश का प्रधानमंत्री घोटाला करके चुनाव जीत कर गया हो उस देश की हालत कितनी खराब हो सकती है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि मेश्राम जी वो जो मौर्या है
वो डिप्टी सीएम है उसके बारे में आपने बोला, फिर देश के प्रधानमंत्री के बारे में आपको आपने बोला, आपको डर नहीं लगता? इन लोगों से क्या डरने का? उनको मेरे से डर लगता है, मेरे को नहीं लगता। जो पुराने जमाने में फकीर से राजा लोग डरा करते थे, क्योंकि फकीर के पास कुछ होता नहीं था, जिसके पास कुछ होता था वो लोग राजा से डरते थे, और जो फकीर होता था वो राजा से नहीं डरता था। क्यों? अब राजा फकीर से क्या लेगा? लेगा 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 क्या लेगा? फकीर के पास है ही नहीं कुछ, तो राजा फकीर से क्या ले सकता है? तो इसलिए राजा जो है फकीर से डरते थे। तो हमें इसलिए डर नहीं लगता, हम फकीर है। नरेंद्र मोदी को डर लगता है, अरे बोल गया फकीर, इसको पकड़ा तो कहां पकड़ा जाए। तो नरेंद्र मोदी दुनिया भरे के लोगों के पीछे जो है सीबीआई लगा दिया, ईडी लगा दिया, तो वो ढूंढ रहा होगा, अरे वामन मेश्राम के पीछे साला ईडी कैसे लगाया, है ही नहीं कुछ साला, तो ईडी कहां से लगाएगा, है पकड़ में कहीं आता नहीं है। तो इसलिए हमें उन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, उन लोगों को डर लगता है, हमें नहीं। तो क्योंकि जो चोरी करते हैं उन लोगों को डर लगता है, उन लोगों ने वोटों की चोरी की, जब उन्होंने वोटों की चोरी की तो इसलिए उनको डर लगता है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ईवीएम में घोटाला होता है इसके हजारों उदाहरण देने की क्या जरूरत है? इसके हजारों उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। खुद नरेंद्र मोदी जो देश का प्रधानमंत्री है उसके चुनाव क्षेत्र में 1,87,000 वोट ज्यादा निकला, अरे दूसरे के बताने की क्या जरूरत है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के ही चुनाव क्षेत्र में ऐसा हुआ, बाकी लोगों को बताने की क्या जरूरत है? जब प्रधानमंत्री के ही चुनाव क्षेत्र में ऐसा हो सकता है तो फिर सारे देश भर में हो सकता है, ऐसे मानने का आधार है। तो देश में जो चुनाव चल रहा है, ये चुनाव जो है ये धोखेधड़ी का कार्यक्रम चल रहा है, और इसके बारे में भी जनता को जागृत करने की जरूरत है, इसके बारे में भी जनता को समझाने की जरूरत है, जागृत करने की जरूरत है। और इसीलिए ईवीएम के बारे में हमने सारे देश भर में ये जागरण अभियान चलाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, सबसे बड़ी कोर्ट है भारत की, वो क्या कहती है? केवल ईवीएम मशीन के द्वारा ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट कहती है। अरे जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि केवल ईवीएम के द्वारा ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता और दूसरी मशीन लगानी होगी, पेपर ट्रेल मशीन लगानी, ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर बात कर रहा हूं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाकर के केस जीत चुका हूं, तो मेरे को क्या डरा सकते, मैं ही डरा रहा हूं, मुझे नहीं डरा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने वाला आदमी हो इनके खिलाफ में, चोर को डर लगना चाहिए, जो ईमानदार आदमी है उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आप लोगों की ईमानदारी से लड़ाई लड़ना ये हमारी जिंदगी का मकसद है, ये लड़ते रहेंगे। आने वाले समय में आप लोगों को हमारी ताकत बढ़ानी चाहिए, शक्ति बढ़ानी चाहिए, जितनी ज्यादा शक्ति आप बढ़ाओगे उतनी ज्यादा लड़ाई हम आपकी लड़ेंगे। इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।